बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शंस। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शंस में हमने केस 1 जो है पिछले लेक्चर में कवर किया है, अब हम केस 2 पे आते हैं। तीनों केसेस हमने देखे थे कि तीन केसेस किस तरह से हो सकते हैं, तो दूसरे केस को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दूसरा केस है रिपीटेड हो गया और साथ में लीनियर, ठीक है, रिपीटेड एंड लीनियर फैक्टर्स, यानी कि नाम से जाहिर है कि उसमें क्या कैसे फैक्टर्स होंगे डिनोमिनेटर के, क्यू ऑफ एक्स जिसे हम पॉलीनोमियल कहते हैं जो डिनोमिनेटर में होता है, तो वो उसके फैक्टर्स कैसे होंगे। एक तो रिपीटेड होंगे, ठीक है, उसके साथ साथ क्या होंगे, लीनियर होंगे। मतलब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ये दूंगा कि सपोज हम यहाँ पर लिखते हैं एक फ्रैक्शन 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर इनटू x प्लस 1, ठीक है। ये एक ऐसी आपको एक्सप्रेशन नजर आ रही है, फ्रैक्शन नजर आ रही है, जिसमें जो डिनोमिनेटर है उसमें जो फैक्टर्स मौजूद हैं वो रिपीटिंग है। कैसे रिपीटिंग है अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर इसको मैं अगर इस तरह से लिखूँ कि 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, मतलब कि इसको हम दो दफ़ा लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, और फिर साथ में क्या है, x प्लस 1 मौजूद है। अब ये दो फैक्टर्स आप देख लें, एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है, x माइनस 1 एक x माइनस 1, ठीक है, मतलब कि ये दो फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, सेम है ना, तो डिफरेंट तो नहीं है। जो सेम फैक्टर्स होते हैं मतलब कि उसे हम कह सकते हैं कि ये फैक्टर रिपीट हो रहा है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या है, रिपीटेड। और उसके अलावा लीनियर क्यों है, लीनियर देखें आप, एक्स की पावर्स क्या है, यहाँ पर 1 1 1 है तीनों एक्सप्रेशन में, तो तीनों फैक्टर्स में एक्स की पावर 1 है, तो हम इसे कहते हैं रिपीटेड एंड लीनियर फैक्टर्स। अच्छा, ये तो चलें स्क्वायर है, इसके अलावा अगर आप कहें कि क्यूब है, पावर 4 है, होल पावर की अगर बात करें किसी भी फैक्टर की, ठीक है, तो वो हम उसे क्या कहेंगे कि वो रिपीटेड है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स होती हैं रिपीटेड एंड लीनियर फैक्टर्स की। चलिए आप इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं, तो इसको आगे जिस तरह से हमने केस 1 में यानी कि सॉल्व किया था, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, 7x जिसके हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं, 7x माइनस 1 है डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर, इसी एग्जांपल को हम साथ में लेकर चलते हैं, इनटू x प्लस 1, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, पहला फैक्टर, ठीक है, a डिवाइडेड बाय ऊपर जो मर्जी आप यानी कि नाम रख सकते हैं अल्फाबेट्स के, a ओवर पहला फैक्टर x माइनस 1 है, ठीक है, उसके बाद प्लस बी ओवर दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर देखें, अब ये दो फैक्टर्स हैं, एक x माइनस 1 है, दूसरा भी x माइनस 1 है, तो दूसरा फैक्टर यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर। ये पार्शियल फैक्टर में आपने पढ़ा होगा किस तरह से हम यानी कि करते हैं, तो फर्स्ट ईयर की आप मैथ्स देख सकते हैं उसमें से, प्लस सी ओवर x प्लस 1 थर्ड फैक्टर, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, इसमें हमें अब a अननोन है, b अननोन है, c भी अननोन है, इन तीनों अननोन्स की अब हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, जिस तरह से हमने पिछले केस में हमने किया था केस नंबर 1 में, उसी तरह से इसमें भी हम इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। चले हम फाइंड करते हैं, फाइंड करने के लिए, वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड्स पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर से, इसके डिनोमिनेटर से, लेफ्ट साइड पे जो भी आपके पास फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से। चले मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, इससे हम मल्टीप्लाई करें किसको, अपनी फ्रैक्शन को, तो लेफ्ट साइड पे मौजूद है 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसी तरह से राइट साइड पे भी हर एक टर्म के साथ आप जो है इसको हर एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, a ओवर x माइनस 1 से, इसी तरह से दूसरी फ्रैक्शन के साथ भी b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर है और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 के साथ, और थर्ड फ्रैक्शन भी यहाँ पर आएगी उसके साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, c ओवर x प्लस 1 है, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1,
अब जो टर्म्स यहाँ पर कैंसिल आउट होती हैं उसको हम कैंसिल करेंगे। देखें एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में मौजूद है, डिनोमिनेटर में भी मौजूद है, इसी तरह से एक्स प्लस वन जो है न्यूमरेटर में मौजूद है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में मौजूद है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर एक्स माइनस वन डिनोमिनेटर में ये इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा क्योंकि ये दो दफ़ा एक्स माइनस वन है, ठीक है। इसी तरह से ये x माइनस वन का होल स्क्वायर है, ये होल की पूरी टर्म इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगी, और इस तरह से ये x प्लस वन जो है इस x प्लस वन जो न्यूमरेटर में मौजूद है उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो टर्म्स अब हमारे पास बची है वो हम लिख लेते हैं, 7x माइनस वन इज इक्वल टू x माइनस वन इंटू x प्लस वन इंटू ए प्लस बी इंटू x प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब हमने ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड करनी है, वो किस तरह से फाइंड करेंगे, सेवन एक्स माइनस वन, अब ये एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ये कौन सा फार्मूला बनता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, मतलब कि हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर इज वन, ठीक है, इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, बल्कि उससे पहले हम ऐसा करते हैं, अभी ये काम नहीं करते, हम ऐसा करते हैं कि बी और सी की वैल्यूज पहले फाइंड कर लेते हैं। बी की वैल्यू फाइंड कैसे होगी, बी की वैल्यू ऐसे फाइंड होगी कि आप इस टर्म को ज़ीरो करें और इस टर्म को भी ज़ीरो, यानी कि बी के अलावा जो टर्म्स हैं उनको आपने ज़ीरो बनाना है। कैसे ज़ीरो आएंगे, इसमें से आप x माइनस वन को ज़ीरो पुट कर दें, ठीक है, x माइनस वन को अगर ज़ीरो करते हैं तो ये होल टर्म ज़ीरो हो जाती है, और उसी x माइनस वन को ज़ीरो पुट करें तो ये भी टर्म ज़ीरो हो जाती है, मतलब कि सिर्फ आपने क्या करना है, फॉर b पुट x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है, x इज इक्वल टू वन, यानी कि हमने x इज इक्वल टू वन पुट करना है, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप वन पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं, सेवन इंटू वन माइनस वन इज इक्वल टू, ये होल टर्म जीरो हो जाएगी, एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ये होल टर्म जीरो, प्लस बी इंटू एक्स क्या है, वन है, वन प्लस वन प्लस ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, सी इंटू ज़ीरो, ठीक है, इसको हम ज़ीरो लिख देते हैं। आगे आप इसको बी के लिए सॉल्व कर लेते हैं, सेवन इंटू वन इज सेवन माइनस वन इज सिक्स, और b इंटू टू यानी कि टू बी, और यहाँ से b की क्या वैल्यू आ जाएगी, b इज इक्वल टू सिक्स डिवाइडेड बाय टू, और सिक्स डिवाइडेड बाय टू क्या होता है, थ्री होता है, यानी कि b की वैल्यू हमारे पास आ गई है थ्री। b हमने फाइंड कर लिया, अब हम c पे आते हैं, c फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, c फाइंड करने के लिए हमें ये टर्म भी ज़ीरो करनी पड़ेगी, ये टर्म भी ज़ीरो करनी पड़ेगी। इन दोनों टर्म्स को कैसे ज़ीरो कर सकते हैं हम, अगर x प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो पुट करें, अगर आप इसमें से देखें, इसमें से x माइनस वन ज़ीरो पुट करें तब भी ज़ीरो हो जाता है, लेकिन अगर ये x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी जिस जो हमने फाइंड करनी है, इसको तो हमने ज़ीरो नहीं करना ना, अगर ये ज़ीरो होगी, c ज़ीरो हो गया, तो हम c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें x1 x प्लस वन मौजूद है, इसमें भी x प्लस वन मौजूद है, तो सिर्फ x प्लस वन को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, ठीक है, फॉर c पुट x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो x प्लस वन जब जीरो पुट करते हैं इस इक्वेशन से, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस वन। चले आप पुट करते हैं, सेवन इंटू एक्स था, सेवन इंटू माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू या a टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, प्लस b टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, प्लस c, c टर्म में है x माइनस वन, तो x माइनस वन है वैल्यू, उसके बाद माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस सेवन माइनस वन इज माइनस एट, c इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू, और माइनस टू का स्क्वायर इज फोर, तो माइनस एट डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू सी, और माइनस एट डिवाइडेड बाई फोर क्या होता है, माइनस टू, यानी कि सी की क्या वैल्यू आ चुकी है, माइनस टू आ चुकी है। अब हमारे पास बी की वैल्यू भी आ चुकी है, सी की वैल्यू भी आ चुकी है, अब हमने फाइंड किस की वैल्यू करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलें ए की कैसे फाइंड करेंगे,
इक्वेशन पर आते हैं। इक्वेशन में आप अगर देखें तो इक्वेशन में है कि अगर आपने a फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों टर्म्स को आप जीरो पुट यानी कि जीरो करेंगे किसी तरह से। ये दोनों टर्म जीरो कैसे होती हैं? ये b तो तब जीरो होगा जब आप x प्लस वन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, लेकिन जब x प्लस वन आप जीरो पुट करेंगे उसकी वजह से हमारे पास a भी जीरो हो जाएगा, मतलब इसमें भी a जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना x प्लस वन से, तो a भी जीरो हो जाएगा। अच्छा, अगर आप c की बात करें तो c में आप x माइनस वन को जीरो पुट करेंगे तब जाके c जीरो होगा, क्योंकि हमने ये फाइंड करना है। तो c जीरो करने के लिए हमें x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो पुट करना होगा। जब x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये तो a में भी मौजूद है, a से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a इसकी वजह से भी जीरो हो जाता है। मतलब कि इस मेथड से हम अब a की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। हम ऐसे करते हैं कि कंपेयरिंग मेथड एक होता है, ठीक है, उससे हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चले वो कैसे है, दोबारा से मैं इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन है माइनस सेवन एक्स, बल्कि सेवन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू है किसके, इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन है, और प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलें, सेवन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू सिंप्लीफाई, मतलब जो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा, और इंटू ए प्लस, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, बी एक्स प्लस बी, यानी कि बी एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा और वन से भी होगा, तो बी एक्स प्लस बी बन जाएगा, प्लस सी इंटू, अब ये इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस वन प्लस टू ए बी प्लस माइनस टू ए बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन, तो क्या बनता है, माइनस टू एक्स बनता है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, सेवन एक्स माइनस वन ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस टू सी एक्स। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि कंपेयर करते हैं कोफिशियंट्स को। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, कांस्टेंट भी है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं इसको जीरो एक्स स्क्वायर कर देते हैं, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस वन। ठीक है, अब हम एक्स स्क्वायर वाले जो है टर्म्स उनको ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर है और सी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, सिर्फ ये दोनों स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, तो ए एक्स स्क्वायर ए प्लस सी, इस इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा एक्स कौन सी, एक्स वाले कौन से टर्म्स हैं, एक बी एक्स है और एक माइनस टू सी एक्स है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें से एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स इंटू बी माइनस टू सी। ठीक है, और जो बाकी कॉन्स्टेंट्स बच गए हैं उसको लेदर से लिख लेते हैं, प्लस माइनस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और इज इक्वल टू जो टर्म यहाँ पर मौजूद है, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस वन। अब हमने कंपेयर करने हैं कोफिशियंट्स, किसके कोफिशियंट्स, वेरिएबल्स के कोफिशियंट्स, कौन कौन से वेरिएबल्स यहाँ पर हैं, एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स है और एक कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पे क्या है, ए प्लस सी है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, जीरो है, तो इन दोनों को कंपेयर कर लें, तो जीरो इज इक्वल टू कंपेयरिंग कोफिशियंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट्स हम कंपेयर करें, जीरो इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस सी, क्योंकि हमने a फाइंड करना है, तो यहाँ पर इसमें a आ रहा है इसलिए मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, तो a प्लस सी, अब a की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है, a को इस तरह रहने देते हैं, और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी, और c की वैल्यू हमें पता है, c की वैल्यू क्या है, c इज इक्वल टू माइनस टू है, तो माइनस इंटू माइनस टू, तो a इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू टू आ जाएगा।
तो ये हमें वैल्यू चाहिए थी। अगर यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट्स को कंपेयर करके हमारे पास अगर ए की वैल्यू ना आती तो हम क्या करते, एक्स के कोफिशियंट्स को कंपेयर कर लेते। एक्स के कोफिशियंट में तो में से भी नहीं आती क्योंकि इसमें ए नहीं है, ठीक है। अगर इससे कंपेयर नहीं होता तो हम कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर कर लेते, मतलब कि माइनस ए प्लस बी प्लस सी को इक्वल टू हम रख लेते माइनस वन के, ठीक है, क्योंकि ये भी कॉन्स्टेंट्स हैं और जो लेफ्ट साइड पर कॉन्स्टेंट क्या है, माइनस वन है, ठीक है। इसको कंपेयर करके भी हमारे पास ए की वैल्यू आ सकती है जो कि इक्वल टू टू है, ठीक है। तो ए की वैल्यू भी आ चुकी है, बी की वैल्यू भी आ चुकी है, सी की वैल्यू भी आ चुकी है, तो अब हम इसकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। और उससे पहले मैं लिख देता हूँ कि 7x-1, वही इक्वेशन मैं लिखूंगा जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन की लिखी थी, 7x-1 डिवाइडेड बाय x-1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। हमने किसके इक्वल लिखा था, ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो ए बी सी की वैल्यूज आई हैं वो हम पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया जो कि टू है, टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन प्लस बी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, बी की वैल्यू हमने फाइंड की थी थ्री, तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री ओवर एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी ओवर, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है माइनस टू, तो हम ऐसा करते हैं कि माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन लिख देते हैं, और ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस कर देगा और यहाँ से माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब कि हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन में इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो 7x-1 ओवर x-1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये फ्रैक्शन आई हैं, एक 2 ओवर x माइनस वन, दूसरी फ्रैक्शन 3 ओवर x माइनस वन का स्क्वायर और माइनस थ्री ओवर टू माइनस टू ओवर x प्लस वन, ठीक है। तीन फ्रैक्शन इसकी बनती हैं। अच्छा, अब इससे जिस तरह से हमने पिछले केस में भी ये कहा था कि इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आप देखें अगर हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी हो, मतलब लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है इसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी हो इस तरह से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, देखना कि कौन सा किसका फंक्शन है या कौन सा थ्योरम अप्लाई हो सकता है। अगर आप देखें भी तो थ्योरम्स यहाँ से आपको समझ नहीं आएंगे कि कौन सा थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है इंटू एक्स प्लस वन है, पहले इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको पता चलेगा क्या हम ऊपर इसका डेरिवेटिव बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, या क्या कोई थ्योरम बनता है या नहीं बनता है, क्या कोई सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर यह है कि जो आप यानी कि पार्शियल फ्रैक्शंस में उसको कन्वर्ट कर लें, और पार्शियल फ्रैक्शंस बहुत सिंपल सी आती हैं आपके पास, और जिस तरह से ये टू ओवर एक्स माइनस वन, इसकी आप इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे लहदा से, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे लहदा से, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे तो आपके पास इसकी इंटीग्रेशन के इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करके देख लेते हैं क्या वाकई ईजी है, जिस तरह पहले केस में ईजी थी तो इस केस में भी ईजी होनी चाहिए। देख लेते हैं, टू जो है वो कॉफिशेंट है, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा वन ओवर एक्स माइनस वन dx। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, थ्री कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, ये भी इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हम लिख देंगे वन ओवर x माइनस वन का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस साइन है, उससे पहले dx भी है, dx भी हम साथ में लिखते हैं क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हमने इंटीग्रेट करना है। माइनस इंटीग्रल साइन बल्कि टू इसमें से भी बाहर आएगा और वन ओवर x प्लस वन dx। अच्छा, आप इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, देखें नीचे फंक्शन है x माइनस वन, एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करें तो वन ही आता है जो कि न्यूमरेटर में ऑलरेडी मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ये नेचर लॉग ऑफ फंक्शन वाला इंटीग्रेशन है, वो थ्योरम लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव जो कि इक्वल होता है नेचर लॉग ऑफ फंक्शन के इक्वल, उसकी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये बन जाएगा टू नेचर लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस थ्री। अब इस केस में आप देखें फंक्शन की फंक्शन नीचे क्या है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आप इसका डेरिवेटिव लेके देखें क्या बनता है, टू इंटू एक्स माइनस वन उसके बाद इंटू वन, ठीक है, वो तो न्यूमरेटर में मौजूद नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको फंक्शन को ऊपर ले जाते हैं, मतलब एक्स माइनस वन की पावर क्या हो जाएगी, नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी माइनस टू, और साथ में मौजूद है वन डी एक्स, ठीक है। अच्छा, इसको आगे नेक्स्ट
जो है स्टेप में देखते हैं, पहले इसको मैं इंटीग्रेट कर लूँ, 2 मौजूद है, उसके अलावा नीचे फंक्शन x प्लस 1 है, उसका डेरिवेटिव 1 होता है जो कि ऑलरेडी ऊपर मौजूद है, नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव, तो नेचुरल लॉग ऑफ क्या बन जाएगा, x प्लस 1 और प्लस c साथ में लिख देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप देखें कि ये तो हमने पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं, एज इट इज लिख देते हैं इसको, 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस 3 इंटू, अब यहाँ से आप देखें ये फंक्शन है और उसकी पावर है, ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, फंक्शन का पावर को आप रहने दें अभी, ठीक है, उसको इग्नोर करें, सिर्फ इंटरनल जो फंक्शन है आपके पास x माइनस 1 उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा जो कि साथ ऑलरेडी मौजूद है, तो हम इसमें वो फार्मूला लगा सकते हैं पावर रूल जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कई दफ़ा, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं कि इस पावर रूल लगाते हैं, x माइनस 1 की पावर में 1 इंक्रीमेंट कर दें और डिवाइडेड बाय जो भी पावर बनती है इसकी 1 बनती है, माइनस 1 बनती है, तो ये बन जाएगी, ठीक है, माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस सी। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई ये कैसे होगा, देखें 2 नेचुरल लॉग जो है, चले नेचुरल लॉग वाले फंक्शन मैं पहले एक साथ लिखता हूँ, बल्कि नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करते हैं, नेचुरल लॉग से पहले जो कांस्टेंट है वो पावर में चला जाएगा फंक्शन के, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन का स्क्वायर बन जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा सीधा करके लिखता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर, उसके बाद इसको ये नेगेटिव साइन बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो ये मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव 3 बन जाएगा, नेगेटिव 3 और ये इसकी पावर क्या आएगी, नेगेटिव 1 आएगी, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले जाते हैं x माइनस 1, ठीक है, उसके बाद माइनस, इसमें भी 2 नेचुरल लॉग से पहले है तो उसको हम पावर में ले जाते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c, ठीक है। तो अब नेचुरल लॉग को मैं इकट्ठा लिखता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 ओवर, यानी कि ये टर्म मैं एंड पे ले गया हूँ, x माइनस 1 प्लस c। इस पे अब हम नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है, ये तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं आपस में तो इसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे, नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, माइनस 3 ओवर x माइनस 1 प्लस c, तो ये इसका रिजल्ट बनता है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का केस 2 हमने यहाँ पर स्टडी किया इस लेक्चर में, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है केस 3 को स्टडी करेंगे।